हिना साहिबा, गिजा में क्या शामिल करना चाहिए जो हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकें? आजकल तो फास्ट फूड हम इतने शौक से खा रहे हैं और जो केन्ड फूड है उसकी तरफ भी हमारा ज्यादातर रुझान है, तो क्या क्या शामिल करें अपनी गिजा में? कंसाइजली जरा बताइए। देखिए, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हार्ट अटैक डायबिटीज और शुगर की जो टाइप 2 डायबिटीज की वजह से होता है, इसके साथ साथ एक और है जिसको हम ट्रायो में कहते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। शुगर और कोलेस्ट्रॉल और आपका आ जाता है ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन, यानी बहुत हद तक बहुत ज्यादा हाई रहना भी गलत है। इसकी है। इन सबको सॉर्ट आउट बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखें, जब तक कोई ऐसा बाय बर्थ डिफेक्ट ना हो या ऐसे कोई बड़े डिफेक्ट ना आए सर्जरी की जरूरत हो, कि बच्चे का, कुछ लोगों का पैदाइशी कोई ना कोई आर्टरीज और वेन्स का कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, वहां तो सर्जरीज भी होंगी और CPR की कब जरूरत पड़ेगी, जब हम इमरजेंसी तक अपने आप को लेके चले जाएं, या अल्लाह ना करे हम बाय बर्थ किसी ऐसे डिसऑर्डर के साथ पैदा हो रहे। तो डॉक्टर साहिबान ने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन गिजा में क्या शामिल करें, क्या खाएं हम लोग? गिजा में मैं एक बहुत आसान सा फॉर्मूला बताती हूँ, अगर ये सब अमल करेंगे ना तो हम ईट और नीट एंड क्लीन गिजा पर आ जाएंगे। वो बहुत आसान है। प्रोसेस फूड आता है डब्बे में, कैन और जितनी भी शुगर, हाई शुगर और हाई सॉल्ट बेवरेजेस और हाई सॉल्ट जितने भी फूड आते हैं वो आते हैं कैन में, जितनी भी सॉस और हाई फैटनिंग चीजें आती है बॉटल्स में। तो ये मैं तीन चीजों के बारे में कहती हूँ कि पैकेज फूड, सॉसेस, जितनी भी बॉटल्स में आने वाली चीजें और कैन में आने वाली चीजें, इनको अपनी डाइट से निकाल दें। इनफैक्ट जो ब्राउन ब्रेड के नाम से ब्रेड भी आती है ना, योर फार्म टू योर किचन देन योर टेबल, आपको वो खाना तमाम जो घर के अंदर पकता है वो खाएं। अच्छा, घर के अंदर पकाने में भी कुछ खवातीन बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देती हैं। देखिए, कमर्शियल ऑयल भी बाजार के डब्बे से ही आ रहा है ना, तो वो ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं उसमें प्रोसेस हुआ हुआ है, टिन के अंदर मौजूद है। अगर हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल है और वो बढ़ा हुआ रहेगा, जो होटलिंग वगैरह बंद कर दें हम अपनी, मिनिमम हद तक खत्म कर दें, कम कर दें, और होटलिंग में जाकर भी हेल्दी च्वाइसेस करें, लाइक माइंडफुल ईटिंग करें।